नमो आयर्याणं नमो 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 वैज्ञानं नमो 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 लोये सोऽसाहूनं ये सो पंच नमोकारो ये सो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़म नमो चोविसाये तीर्थयरानं वृषभाये महावीर पज्जोसनानं इनमे वनगंधं पावयनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नियाह्यं संशुद्धं संलक्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवानमग्गं अवितहमविसन्धि सौवदुःखपहिनमग्गं इत्थं धिया जीवा सिद्धन्ते बुद्धन्ते मुच्यन्ते परिनिवायन्ति सौवदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहामि पतियामि रोयेमि हासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो हासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य कम्मखयठयाये वठिवोमि। परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए कर्म क्षय की कम्र कर्म संक्रमण की आराधना साधना सीखने की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण कर। सर्वप्रथम जिनकी कृपा से सब कुछ पाया ऐसे आस्था के महासागर परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदना। जिन नए चेहरों ने ये नया नजारा यह रचा उस कर्मा टीम के हर सदस्य को
बहुत बहुत बधाई। सुजीत को मैंने एक दायित्व तो सौंपा था कि एक टीम को जोड़ना है जो कर्मा के शिविर का नियोजन कर सके, आयोजन कर सके। युवाओं के हाथ में बागडोर सौंप दो और उन्हें पूर्ण स्वातंत्र दे दो तो आपके सपनों से भी अधिक सुहाना सच वो जिंदगी में सच करके बता सकते हैं। उसका ये आज का पहला ही दिन प्रमाण है। इसलिए बहुत तहे दिल से उन्हें फिर एक बार बधाई। कर्मा का ये विषय आपके मन में बहुत कौतूहल जिज्ञासा जगा गया है। कुछ कर्म को लेकर के केवल चर्चा नहीं होगी, सिद्धांतों की चर्चा बिल्कुल गहरी नहीं करेंगे। कैसे कर्मों को लेकर के हमारी जो भ्रांतियां है उनको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे कर्म को गुलाम नहीं कर्म के मालिक बना जा सकता है, उसकी कुछ टेक्निक्स सिखाने का यहाँ उपक्रम चलेगा। कर्मा का ये शिविर, इस शिविर का ये तीसरा साल है। बेंगलोर से कर्मा शिविर की यात्रा शुरू हुई और वहाँ से जो शुरुआत हुई आज वो एक अलग रूप ले चुकी है पुणे में। कर्म को लेकर के सबसे बड़ी भ्रांति प्रायः सभी लोगों के दिमाग में है कि पहले जैसे हम कर्म बांध करके आए हैं, जो कर्म का लेख लिखा गया है वो भोगना ही पड़ेगा, होनहार को कौन टाल सकता है। जो विधि का विधान है उसको कौन बदल सकता है। कर्म किसको चुके हैं, न राम को चुके हैं, न महावीर को चुके हैं, न बुद्ध को चुके हैं, न श्री कृष्ण को चुके हैं। ऐसे कुछ वाक्य निरंतर अपने दिमाग में अपने कानों में गूंजते रहते हैं और इन्हीं सारे वाक्यों के खिलाफ ये उपक्रम है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कर्म जो बांधे हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, इस वाक्य के खिलाफ ये उपक्रम है। कर्म बंधन और कर्म भोगना किसको चुका है, इस वाक्य के खिलाफ ये उपक्रम खड़ा है। ये उपक्रम न नियति का गुलाम बनने के लिए है, न भाग्य का गुलाम बनने के लिए, न कर्म का गुलाम बनने के लिए है। ये उपक्रम है तो केवल मालिक बनने के लिए है। नियति को चुनौती देने के लिए, भाग्य को चेंज करने के लिए है, नए भाग्य का निर्माण करने के लिए है। और ये प्रैक्टिकल आपको करना है, ये प्रैक्टिकल संभव है, ये प्रैक्टिकल संभव है। मैं एक छोटी सी सूचना और संकेत आपको करना चाहूंगा कि मुझे सिद्धांतों की चर्चा में ज्यादा रस नहीं है। मुझे रस है तो केवल एक बात में है कि वे सिद्धांत जीवन में सत्य कैसे हो सकते हैं। वो फिलॉसफी मेरे किसी काम की नहीं, जो मेरी समस्याओं का समाधान नहीं देती, मुझे प्रैक्टिकली केवल कोरे आश्वासन देती है। और करीबन करीबन हमारी सारी जनता नेताओं के आश्वासनों से और फिलॉसफी के आश्वासनों से ही अपने को भरमाती रहती है। आश्वासन केवल भ्रमित करते हैं और इसलिए ये कोई उपक्रम आपको आश्वासित करने के लिए नहीं है, तो प्रैक्टिकल समाधान देने के लिए है। इसलिए पहले एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपको यहाँ कोई नोट्स करने की जरूरत है।
आपको यहाँ नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक तैयारी जरूर करें कि जिंदगी के पन्नों पर उसको लिख लें। कागज के पन्नों पर फिलॉसफी लिखी जाती है और प्रैक्टिकल जिंदगी के पन्नों पर लिखा जाता है। और ये क्लास कागज के पन्नों पर लिखने के लिए नहीं तो जिंदगी के पन्नों पर लिखने के लिए है। कागज के पन्ने कितने ही आपने सुंदर से सुंदर तुम लिख लिए तो उससे जिंदगी के पन्ने चेंज नहीं होंगे। हमें जिंदगी के पन्ने चेंज करने हैं, कागज के पन्ने नहीं चेंज करने हैं। इसलिए पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर ले, नोट्स लेने में अपना टाइम बिल्कुल न लगाएं, अपनी चेतना बिल्कुल नहीं लगाएं। निरंतर केवल एक छोटी सी टिप्स दे रहा हो, आपका मन कहीं भी जाने दीजिए, उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। आपकी आंखें निरंतर मेरे पर रहे, न कागज पर रहे, न पेन पर रहे, न दाएं रहे, न बाएं रहे, न पीछे रहे, आपकी आंखें मुझे दे दीजिए। आपकी आंखें यदि मुझे निरंतर मिल गई तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखों से जो पाया जा सकता है उसको प्लीज गवाइए मत। 3.5 हाथ का शरीर यहां लेकर के आए हो, शरीर को यहां बैठाए रखा है, तो आंखों को जरूर दीजिए, दृष्टि को मत हिलने दीजिए। नजर निरंतर इधर रखिए, इसलिए नोट्स लेने के मना कर रहा हूं कि नोट्स लेने जाएंगे नजर हटेगी, नजर हटेगी चित्त हटेगा, चित्त हटेगा रास्ता भटक जाएगा। क्या है कर्म? जो कुछ भी आपके मेरे जीवन में है वो सब कुछ कर्म के कारण से है। जो सुख है, जो दुख है, जो शरीर आपको और मुझे मिला है वो कर्म का ही परिणाम है। जो सोच आपकी और मेरी है वो भी कर्म का ही परिणाम है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मेरे में अहंकार है, मेरे में अहंकार नहीं है, मेरे अहंकार की मात्रा कम है, मेरे अहंकार की मात्रा ज़्यादा है, मुझे डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता है, इसका मूल कारण कहीं पर है तो कर्म में। कई ऐसे विधान आप लोगों के सुने हुए हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, और आप खुली आंखों से खुले दिमाग से देख सकते हो कि जिन्होंने कभी सुपारी का खांड भी मुंह में नहीं डाला है उनको कैंसर होता है, और जो गुटखा खाते ही चले जाते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है। क्या कारण है? स्मोकिंग करने वाले, सभी स्मोकिंग करने वाले को कैंसर नहीं होता है, और जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। जो बहुत स्वस्थ पौष्टिक सात्विक आहार करते हैं उनको भी आंतड़ों का पेट का कैंसर हो जाता है, और जो अट्रम सट्रम कैसा भी खाते चले जाते हैं उनको कुछ नहीं होता है। फिर साइंस का सिद्धांत कहाँ गया है? किस कारण से? उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कार्बन शरीर, तेजस शरीर। एक व्यक्ति पर दवा लागू होती है और उसी बीमारी पर दूसरे व्यक्ति पर वो दवा लागू नहीं होती है। क्यों? क्या कारण? दवा ने काम करना कि नहीं करना ये कौन तय करता है? ये कार्बन शरीर और तेजस शरीर तय करता है। दवा देना दवा लेना आपके हाथ में है, लेकिन दवा को असर करने देना कि नहीं देना
एक कार्बन और तेजस शरीर के हाथ में है। यदि जीवन बदलना हो, सोच बदलनी हो, व्यवहार बदलना हो, स्वास्थ्य बदलना हो, तो शुरुआत कर्म के परिवर्तन से करनी होगी। जब तक कर्मन शरीर नहीं बदलता है, जब तक कर्मा की बॉडी चेंज नहीं होती। तीन बॉडियां हैं आपके पास, तीन बॉडी है मेरे पास, तीन बॉडी सबके पास है। एक एक्सटर्नल बॉडी है जो सबको दिखती है, जो सप्त धातुओं से बनी है। दूसरी बॉडी है इसके अंदर, जिस बॉडी के कारण से ये बॉडी बनी है, जिस बॉडी में से इस बॉडी का जन्म हुआ है, वह है कर्मा की बॉडी। और तीसरी बॉडी है कि जिसके कारण से दोनों ही बॉडियां काम करती है, वह है तेजस शरीर, इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा महत्वपूर्ण घटक है, चौथा महत्वपूर्ण घटक है कि जिनके कारण से तीनों ही बॉडियां, जिसके अस्तित्व के कारण से, जो एक्टिव नहीं है, ओनली प्रेजेंट, एक्टिव है कार्बन शरीर, एक्टिव है तेजस शरीर, एक्टिव है औदारिक शरीर, केवल जिसके अस्तित्व के कारण से, केवल जिसके प्रेजेंट होने के कारण से ये तीनों ही शरीर काम करते हैं, वो है आत्मा, वो है चेतना, वो है जीव, वो है सोल, वो है स्पिरिचुअल। इन चारों को मिलकर के हमारा जीवन चलता है, आत्मा, कर्मा, तेजस शरीर और औदारिक शरीर, ये चारों मिलकर के हमारा जीवन चलता है। और इन चारों में, इन चारों का जो कार्यक्षेत्र है, उसको यदि हमने समझ लिया, तो कैसे कर्म को चेंज किया जा सकता है वो भी समझ में आएगा, कैसे नए कर्मों का निर्माण किया जा सकता है, कैसे जैसे चाहे वैसे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। एक बार उसका साइंस समझ में आ गया तो सारा कुछ बहुत सहज हो जाता है। विज्ञान केवल इतना ही है कि सूत्र पता चल जाए कि कार्य कैसे संपन्न होता है, तो उस सूत्र के आधार पर कोई भी उस कार्य को कर सकता है। जब तक उसका सूत्र पता नहीं चलता है, तब तक वो सारा हमको चमत्कार लगता है। और जब उसके अंदर का सूत्र पता चलता है, तो वो चमत्कार नहीं लगता है। जब पहली बार रेल चली, जब पहली बार फोन पर से आवाज़ आई, तो ये कहा गया था कि इसमें से शैतान बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका विज्ञान क्लियर होता गया, पता चला गया कि नहीं, ये न शैतान का काम है, नहीं ये भगवान का काम है, ये केवल टेक्नोलॉजी का काम है। मैं बात को थोड़ी सी और आपके पास क्लियर करने के लिए कुछ पुराने उदाहरण देना चाहूँगा। पहले देवी का रोग आता था, देवी होती थी और कहते थे कि देवी का कोप हो गया है, और फिर सारे देवी की पूजा आदि सारा किया जाता था। कहाँ गई वो देवी, आप क्यों नहीं देवी होती है? जैसे साइंस के प्रयोग हुए और टेक्नोलॉजी सामने आ गई, तब पता चला कि देवी का काम नहीं है, इन्फेक्शन का काम है, ये वायरस का काम है। तो उसके पीछे की सारी अंधश्रद्धा, सारा चमत्कार का वलय समाप्त तो हो गया।